जय जगन्नाथ। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस वीडियो रे आमे कुलम्स लॉ गोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करथिले आउ देखिथिले मीडियम टू मीडियम केमिति कुलम्स फोर्स वेरिएशन करे। सो लेट्स डू सम मोर न्यूमेरिकल इन दिस वीडियो एंड वी विल सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। आउ गोटे न्यूमेरिकल स्टार्ट करुच्ची। If the force between two charges, if the force between two charges in air is 100 newton, calculate the force if the distance between them reduced to half and the medium is replaced by another medium of dielectric constant 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यही क्वेश्चन जदि बुझीगल यही भाया बुले बाले बंके बांके जमीती क्वेश्चन दे था देखु देखु आंसर बाहर करदेव। ये गोटाए क्वेश्चन जदि बुझीगल क्वेश्चनटा मानने ये क्वेश्चन आंसर रे किसी ना क्वेश्चन रल्यूसन बाहर ना नहीं दैट डिपेंड अपन द रीडिंग स्टाइल। क्वेश्चन टा को भाया रीडिंग करुच कौनटा क्वेश्चन जदि बुझीगल तुम्हारे 80% प्रोब्लेम सल्व फिजिक्स रे मन रखि था। खाली मैंने खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नुह सेकेंड इयर जितेक चैप्टर पढ़ जितेक प्रोब्लेमेटिक जिनस सब देख जदि तुम क्वेश्चन बुझी जाइए 80% प्रोब्लेम सल्व। कौन कहला क्वेश्चन ने इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर इज 100 न्यूटन दीटा चार्ज एयर रे अच्छा भितर फोर्स होउची 100 न्यूटन दीटा चार्ज एयर अच्छा कौ फोर्स ला कुलम्स फोर्स बा आम तो कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली एयर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ुचे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाई थी ना 100 न्यूटन। तापर पचार कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ से फोर्सटा आम कैलकुलेट करवा जदि ताक भितर डिस्टेंसटा हाफ हो जाए हाफ माने आगुर जदि थिला 10 मीटर एबे हो 5 मीटर डिस्टेंसटा हाफ हो फोर्स केते से नुहे खाली डिस्टेंसटा हाफ हेनी आउट कौन चेंज हम कही टू हाफ एंड द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। हमें से मीडियम न रखी आउ गोटा मीडियम को नेले माने ऑयल भितर को हमें नहीं थाई पारू कि आउ कौन सी जगह को नहीं थाई पारू जहाँ मीडियम टू मीडियम किए वेरिएशन करे ना के रू वेरिएशन करे कौन पे के रो वैल्यू वेरिएशन करे ना आमर जो अच्छी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्साइलन से इप्साइलन रो वैल्यू चेंज हुए से मीडियम टू मीडियम नेले आमर मैंने के रो वैल्यू चेंज हुए राइट। एबे से मीडियम टा एयर थिला
मीडियम टा एयर बदल रे हमें आउ गोटा मीडियम को नहीं गले जो मीडियम रो हमरो डाइलेट्रिक कांस्टेंट होची 2 एबे सेही मीडियम रे फोर्स केते हबो हमें कैलकुलेट करिबा हला फर्स्ट हमरो कोन कोन दिहाई छी मु डाटा लिखू छी गिवन डाटा रे हला सॉल्यूशन रे मोर दिहाई छी मु एटा लिखू छी एफ जहा जहा दिहाई छी मु लिखू छी एफ 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 हला 100 न्यूटन एफ हला 100 न्यूटन तापर आउ कोन पचै छी एफ हला 100 न्यूटन एफ डैश केते पचरा हाई छी त कुआ हाई छी एफ आर डैश एफ डैश केते पचरा हाई छी एफ डैश मु एफ डैश नली कोन ई जे प्रमे जते बळे माने सॉल्यूशन बाहर करिवो कोनोसी प्रॉब्लम रो त राइटिंग स्टाइल ए भले सिम माने डायरेक्ट सिंबॉलिकली लिखियो किछ न लिखी एफ दिहाय छी एफ डैश केते पचरा हाई छी आउ कोन दिहाय छी ना आर डैश इक्वल्स टू आर डैश ला कोन इनिशियली मोर फिला एफ एफ टा जले चेंज हे जीवो कते एफ टा चेंज हे जीवो एफ डैश को सिंदे आर टा चेंज हे जीवो कते ना आर डैश को आर टा चेंज आर डैश को आउट देखो कौन से कही छी चार्ज विषय रे किछ भी से कही नी ता माने कोन चार्ज टा पूरा कांस्टेंट रहइबो माने फर्स्ट एयर रे थिला बेले चार्ज जति कि थिला माने Q1 Q2 एयर को छाड़ी कि हम जदी अदर मीडियम को जदी नै जीवा निमिति वाटर वाटर रे हमरो से चार्ज टा भी कांस्टेंट रहइबो चार्ज टा कांस्टेंट रहइबो माने रेडियस माने डिस्टेंस टा चेंज होय डिस्टेंस केते हो जाउछ ना रिड्यूस टू हाफ ता माने आर डैश इक्वल्स टू केते हो जइबो ना आर बाय 2 आर डैश इक्वल्स टू हे गला हमरो आर बाय 2 आर डैश इक्वल्स टू हे गला केते ना आर बाय 2 एबे हमें आउ कोन दि आइछि ना जो डाइलेट्रिक कांस्टेंट माने कोन डाइलेट्रिक कांस्टेंट माने होछि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर सही रिलेटिव परमिटिविटी जहां डाइलेट्रिक कांस्टेंट होछि सेम एप्सिलॉन आर दि आइछि हमरो एप्सिलॉन आर तरह वैल्यू हला कते ना 2 हम जो अछि एफए हला एफए को हम लिख परिया किमिति ना एफ इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इन लिख परिया सिमिलरली एफ को जेंते हम ई बडा लिखु छे एफ डैश को किमि लिख परिया एफ डैश इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई जेतु मीडियम चेंज हे जाय छी हमें तक एप्सिलॉन न लिखी कोन लिखवा सर एप्सिलॉन नॉट न लिखी हमें लिखवा एप्सिलॉन तापर एठी रहला सही Q1 Q2 जेतु समान अछि Q1 डैश Q2 डैश हमें लिखिया कथा ये कौन है जीवो ना से Q1 डैश Q2 डैश चार्ज समान अछि तक हम से लिखिया Q1 Q2 एठी कौन है कि मु आर डैश रो स्क्वायर आर डैश रो स्क्वायर एठी एप्सिलॉन को राइट एप्सिलॉन को मु केन लिख परिबी ना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को लिख परिबी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर राइट एटा हला Q1 Q2 डिवाइडेड आर डैश रो स्क्वायर माने आर डैश होय कते ना आर बाय 2 राइट एटा ने क्लियर आर बाय 2 रो स्क्वायर आर बाय 2 तारला स्क्वायर तने Q1 Q2 सिंत रहिला तने ये हे जीवो देखो एठी एप्सिलॉन आर वैल्यू कते पकेबो ना 2 पकेले ये जो 1 बाय राइट ये जो 1 बाय ये गला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई राइट एटा होची 1 बाय 4 पाई एटा हम लिख परबी हां एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन आर को बा एप्सिलॉन आर एठी होची 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर वैल्यू कितना 2 इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हला ये 2 आउ 4 कैंसिल हे जीवो हला 2 आउ 4 कैंसिल हे जीवो 2 आउ 4 कैंसिल ला परे एटी कोन हे जीवो ना 2 टा हे जीवो ये जो कते ना 2 इनटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इनटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तब रे कते ना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 2 इनटू एति गेला देखो हम जो 8 जो थिला एफ इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय स्क्वायर 8 आर वैल्यू इनिशियली थिला केते ना 100 ओम सॉरी 100 न्यूटन ए जो हला 2 इनटू एति को तन मु आकु आ वैल्यू जदी मु पकेबी से केते हे जीवो
से कत देख से हम कत ना को पकेबा कत ना टू इंटू 100 टू इंटू 100 दैट मीन्स 200 न्यूटन दिस इज द आंसर 200 न्यूटन एवे हेडिंग होची वेक्टर्स वेक्टर्स फॉर्म ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ रो वेक्टर फॉर्म में पढ़िबा देखो एबे मु जो वेक्टर फॉर्म कहिबी सेटा होची दीटा पॉइंट चार्ज भितरे पोजिशन वेक्टर न नहीं कि मु तार वेक्टर फॉर्म बाहर करिबी आम जेतु मैथमेटिक्स रे गंगा सर तमरो वेक्टर पढ़े नांती गंगा सर वेक्टर पढ़े साइला परे मु तुमको आउ गोटा वेक्टर फॉर्म कहिबी जोटा कि पोजिशन वेक्टर टर्म रे मु कहिबी एबे खाली पोजिशन वेक्टर टर्म रे न कहिकी दुटा पॉइंट भितर जो जॉइन करथियो से दुटा पॉइंट भितर आर टर्म रे मु तार वेक्टर फॉर्म बाहर करबी ना देखो गलिन q1 q2 एठी गोटा चार्ज नेली q1 एठी गोटा चार्ज नेली q2 u2 एतिक जो जॉइन कला एउठी जो जॉइन कला एटा को मु लिखली ए वेक्टर टर्म लिखली r12 वेक्टर r12 रो वेक्टर हला ए डायरेक्शन जाउ छी r12 रो वेक्टर एपटे इयाडू एपट गु लेफ्ट रु राइट एड गु जाउ छी हमर को वेक्टर ना r12 वेक्टर राइट रु लेफ्ट एड गु जीवो r21 वेक्टर डायरेक्शन होची राइट रु लेफ्ट इन तीर मारची ना राइट रु लेफ्ट को एथि देखो लेंथ एडी किटी देला r12 वेक्टर रो लेंथ एडी किटी r21 रो वेक्टर भी लेंथ एडी किटी हला एबे आमे लेखि परिवा कोन एबे मु जो कोई जी को जदी वेक्टर फॉर्म रे मु लेखिबी हला कूलम्स लॉ को जदी वेक्टर फॉर्म रे लेखिबी मु एबे जदी वेक्टर साइन देबी आर f12 को लेखिबी कोन f21 फर्स्ट लिखुची f21 ए जो डायरेक्शन देची ताको मु लिखिबी f21 को कोन लिखिबी ना 2 ऊपर जति फोर्स पड़िबो ड्यू टू चार्ज q1 सेटा को लिखुची मु f21 फोर्स हला आ कोन लिखिबो कोन ना दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन q2 ड्यू टू q1 q1 चार्ज पे q2 ऊपर जो फोर्स एक्टिंग कला से को हम लिखुचे f21 तार रिवर्स हम लिखिबा f12 को कोन लिखिबा ना q2 पे q1 ऊपर जो फोर्स एक्टिंग कला ताको हम लिखुचे f12 ए बोले लिखुचे फोर्स एक्टिंग ऑन q1 ड्यू टू q2 पे q1 ऊपर f12 एक्टिंग कला एबे दीटा कर वेक्टर चिन्ह दिहला जदि जे मु अजम्पशन करछि जदि दीटा को एयर मीडियम रे थिवे ताले मु लिख परिबी FA21 equals to K Q1 Q2 divided by R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर ताका भीतर जो डिस्टेंस मु नै छी से वेक्टर रो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस रो मैग्नीट्यूड होछ से डिस्टेंस R21 रो स्क्वायर इनटू R21 रो कैप हम लिख परिया आको हम लिखु छे किमिति ना के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21
मैग्नीट्यूड स्क्वायर तापर आर टू वन को आर टू वन को लिख पारि आर टू वन जिमिति तुम पढ़ी थो ए क्याप इक्वल्स टू हाउ मच ए क्याप इक्वल्स टू ए र वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर र मैग्नीट्यूड सिमिलरली आर टू वन क्याप को लिख पारि आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वन र मैग्नीट्यूड आमे ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो दिखती वेक्टर रे ए वेक्टर लिखिली तार एब्सोल्यूट वैल्यू देदेवी से इंडिकेट करे ए वेक्टर र मैग्नीट्यूड सिमिलरली आर टू वन वेक्टर मुझे लिखिली तेरे एब्सोल्यूट वैल्यू देदेली मैंने से कौन इंडिकेट कर ना आर टू वन वेक्टर र मैग्नीट्यूड जमी ए क्या हूँ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सेमती आर टू वन क्या हो आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वन का मैग्नीट्यूड एटी मैग्नीट्यूड आ सहित मल्टीप्लाई कले ये कौन हो ना आर टू वन क्यूब ये होगा तो मोर फाइनाली एफ ए टू वन होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू वन वेक्टर र मैग्नीट्यूड र क्यूब एन टू आर टू वन वेक्टर होगा राइट ये हेला गोटाए फोर्स जो बाहर ये गोटा वेक्टरिकाली फॉर्म रे बाहर शुण सी जो क्वेश्चन ने लिखी थी न्यूमेरिकाली क्वेश्चन दे थी न्यूमेरिकाली मैंने कुलम्स लॉ पचार थी 95% कुलम्स लॉ जो न्यूमेरिकाली क्वेश्चन पचारे से कौन सी जगह वेक्टर आम यूज करा दरकार नहीं पूरा मैग्नीट्यूड रु डायरेक्टली होगा वेक्टर यूज करें पूरा डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ कुलम्स लॉ जो पचार था आगुरी मुझे जिते सब दुईटा क्वेश्चन करी प्रीवियस वीडियो रे यही वीडियो रे करछि से सब मैग्नीट्यूड सब डायरेक्टली 100 न्यूटन लिखी मैंने दैट इज ए मैग्नीट्यूड ये सब वेक्टोरिकल फॉर्म न ये हला गोटा वेक्टोरिकल फॉर्म हला नेक्स्ट मु एफ ए टू वन सिमिलरली एफ ए टू वन रु वेक्टोरिकली फॉर्म लिखी एफ टू वन को लिख पारि केमिति ना एफ ए टू वन सरी एफ वन टू इक्वल्स टू एफ ए वन टू हो गला कौन ना के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय लिखी कौन आर टू वन र मैग्नीट्यूड र स्क्वायर इनटू आर टू वन र कैप राइट आर टू वन र कैप सॉरी आर वन टू वन टू वन मुझे लिखी आर वन टू हम आर वन टू आर वन टू ये लिखिली आर वन टू क्या देख एम सब वेक्टर नुह के हूँ गोटे कांस्टेंट स्कालर क्यू वन क्यू टू कौन चार्ज चार्ज मैंने भी होंगे स्कालर ओनली वेक्टर मुझे क्या भी जो डिस्टेंस अच्छी फोर्स हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी एफ मुझे एफ वन टू को मुझे लिखी एफ वन टू हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू माने आ ऊपर केते फोर्स पड़ुची यही चार्ज पाई से लिखिली कौन एफ ए वन टू से एफ ए वन टू है मोर के क्यू वन क्यू टू डिवाइड एफ आर वन टू रतक मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटु आर वन टू यूनिट वेक्टर राइट येगला तो मैंने येक है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड आर वन टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर एतिक हेला परे परे हमें हाँ ये जो नली आर वन टू ऊपर जो नली वेक्टर एगुड़ा सब हूँ स्कालर मुझे जो डिस्टेंस नली ये डिस्टेंस मुझे वेक्टर फॉर्म रे एक्सप्रेस कली तो मैंने ये होगा आपको मुझे लिख पारि के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू वन वेक्टर र मैग्नीट्यूड र स्क्वायर आर वन टू जो अच्छी आर वन टू जो अच्छी कैप ताक हम लिख पार आर वन टू वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वन टू र मैग्नीट्यूड आपको हम लिख पार किमी ना के क्यू वन क्यू टू आर वन टू र वेक्टर पर डिवाइडेड बाय आर वन टू र मैग्नीट्यूड र क्यूब ये कौन बाहर पड़ा मोर ना एफ वन टू एफ वन टू वेक्टर ये बाहर के Q1
क्यू1 क्यू2 आर12 रो वेक्टर डिवाइडेड बाय आर12 रो मैग्नीट्यूड रो क्यू वाला f12 देखो f f एट जो लिखी छी आर12 रो जति की लेंथ आर21 रो सेति की लेंथ तने मु लिखि परिबी ए जो अछि एठी मु लिखि परि ओडा इनस आर21 रो लेंथ गोटा वेक्टर रो लेंथ लेबे माने तर मैग्नीट्यूड कोन एठी रिप्रेजेंट करिवो जो वेक्टर रो ना जति की लेंथ अछि तने आर21 रो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मु लिख पेली आर12 रो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ले गली माने कर आर ला आर नै गली आर तने एटा को ए टू जो अछि आर21 एटा अछि तार मैग्नीट्यूड जहाला एठी आर मैग्नीट्यूड जहाला आउ कोन देखो एठी अछि दीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान अछि एकर सेकंड मैग्नीट्यूड समान है बट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम अछि डायरेक्शन डिफरेंट अछि तहन मु कोन लिख परिबी आर12 लिख परिबी नै मु लिख परिबी आ तहन एठी मु कोन लिख परिबी आर12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर21 वेक्टर यदि ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान थिवो बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान थिवो ए वेक्टर रो डायरेक्शन जुवाड जाउ थिवो बी वेक्टर डायरेक्शन यदि तार अपोजिट रे थिवो ताहले मु लिख परिबी ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर राइट माइनस ऑफ बी वेक्टर तन एटा देखो f12 जो हला f12 f12 रो वेक्टर होची के q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब एठी होची इज r12 रो मैग्नीट्यूड क्यूब जे हबो r21 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब से हबो बट r12 वेक्टर जा अछि हला सेटा मु लिख परि माइनस ऑफ आर21 वेक्टर तन ए सेम एक्सप्रेशन को मु कोन लिख परि इंप्लाइज एफ ऑफ 12 इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी डायरेक्ट के मु लिखि जदि लिख लेके जाउ छी के रो वैल्यू सिन के थाउ आ कोन लिख पर छे कते एफ1 इक्वल्स टू के आ कोन लिखु छे q1 q2 डिवाइडेड बाय आर12 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब जहा आपको हम लिख परिबा आर21 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब ए जो आर12 आर12 वेक्टर जहा हबो ताको हम लिख परे कते ना माइनस ऑफ आर21 वेक्टर हला त माइनस टा बाहर को नै आसले माइनस टा बाहर को नै आसले ताको हम लिख परे कने माइनस के q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब इनटू 21 वेक्टर ये कम हारतिला ना f21 दैट मींस fa12 हला हमरो fa12 दैट मींस हमर हला कोन इंप्लाइज fa12 इज इक्वल्स टू f12 दैट मींस वी कैन राइट f of 1 2 vector equals to minus f 2 1 vector 2 1 vector or eta ma lek pariba f a 1 2 plus f 2 1 equals to 0 ta mane kon ta mane di ta charge achi di ta charge ame q1 nele q2 nele jo di ta charge से Q1 चार्ज Q2 पर जति फोर्स पकौ थिवो Q2 चार्ज Q1 ऊपर भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पकौ थिवो न नै से दीटा कर सेति फोर्स हेले सिना ओटा बने ओटा डायरेक्शन दीटा अलगा ओटा याडगु फोर्स पकेले ओटा याडगु फोर्स पकेबो तने गोटा जदि हम कहबे एक्शन आ ओटा हबो रिएक्शन जदि न्यूटन कर थर्ड लॉ रे गोटा होतला एक्शन आ ओटा होतला कोन ना रिएक्शन सेम दिनस तने एठोटा पॉइंट लेख अते अते एटा पॉइंट लिखो अते माने देयरफॉर देयरफॉर कूलम्स फोर्स आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कूलम्स फोर्स आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेक्स्ट हेडिंग दियो लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ रो कोन कोन सब लिमिटेशन अछि हमें को जगह रे कूलम्स लॉ अप्लाई करि परिबा नै फर्स्ट लिमिटेशन होची
कूलम्स लॉ को हमें केवल स्टैटिक माने स्टेशनरी माने ओनली चार्ज टा स्टैटिक पॉइंट माने स्टैटिक रे रहिले हमें ताको अप्लाई करिया कूलम्स लॉ चार्ज टा यदि मूव करूथिबो हमें अप्लाई कर परिया नहीं तमरो सार पढ़ेतिबे करंट रे चार्ज सब मूवमेंट करछथी हमर जो कंडक्टर सब अछि करंट प्रोडक्शन होवा पई चार्ज रो सब मूवमेंट हुए करंट यदि चार्ज यदि गोटाए जगह आउ गोटे जगह को फ्लो होतिबो एट दैट टाइम वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ यदि गोटा सर्किट माने गोटा कंडक्टर रे कंटीन्यूअसली चार्ज सब फ्लो होइतांती इलेक्ट्रॉन सब फ्लो होइतांती सेही टाइम सेही पॉइंट रे मु कहि ए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भितरे कूलम्स फोर्स केते सेही टाइम रे मु कैलकुलेट करि परियो नै से टाइम से चार्ज टा रेस्ट रे थिले हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर परिया सेटा होची फास्ट लिमिटेशन कूलम्स लॉ कर फास्ट लिमिटेशन लेखो कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज स्टेशनरी माने स्टैटिक चार्ज सेकंड हला कोन सेकंड हला कूलम्स लॉ हमें केवल पॉइंट चार्ज रे अप्लाई कर परिया पॉइंट चार्ज माने डॉट गोटा डॉट रे चार्ज गुटा सब कंसेंट्रेट होके थे चार्ज जदि खेले होकर चारिडे रे आम अप्लाई कर पारा ना ही आमर लास्ट को ये चैप्टर लास्ट को पढ़ा इलेक्ट माने गोटा यूनिफर्मली गोटा एम कंडक्टर थी से कंडक्टर चार्ज सब यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सब हो प्लस 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 सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते आम से थे आम बाहर करवा केते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आम कैलकुलेट करिया से कंडक्टर पे तार बाहर है से कहते यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है पॉइंट चार्ज में आम केवल कूलम्स लॉ अप्लाई करें ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज गोटा कंडक्टर नाली से कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड वी कैन नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ नेक्स्ट पॉइंट लिख कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस ये गोटा पॉइंट एटा दुटा पॉइंट कूलम्स लॉ वैलिड एबे मुझे क्वेश्चन दौची कौन बुझल से क्वेश्चन आंसर जदि कही दौ मुझे जानक ठीक ठाक सब बुझीच क्वेश्चन हूँ लेख क्वेश्चन हूँ कौन ए क्वेश्चन टा क्वेश्चन आंसर यूट्यूब कमेंट रे दबो क्वेश्चन आंसर इफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 1000 न्यूटन and in a medium it is 250 newton calculate relative Calculate relative permittivity of the medium. दीटा पॉइंट चार्ज अच्छी ताको हमें एयर रखिले ताका भितरे फोर्स पाउचे 1000 न्यूटन ताको जदि हमें आउ गोटे मीडियम को नहीं जाऊचे से मीडियम रे मुझी फोर्सटा कमीज ऑब्वियसली 250 न्यूटन हो गला ताले क्वेश्चन होची से मीडियम रो रिलेटिव परमिटिविटी केते बा डाइलेट्रिक कांस्टेंट केते जे बुझी थिवो से गारंटेड आंसर करी परिवो एंड आंसर पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट करी परिवो माने करेक्टिव हा करी परिवो मेरा उम्मीद है हमारी साइंस एकेडमी का 50% स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व इट जार दम अच्छी करी फटाफट कमेंट रे आंसर दियो जय जगन्नाथ जय हिंद थैंक यू फॉर वाचिंग।